ठीक है ना। हाँ आंसर तीन नहीं है इसका, आंसर हाँ दो आंसर है ना, के इक्वल टू वन और थ्री, ऐसा करके दो आएंगे, उसमें अगर वन लगेगा ना तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा वो, नहीं है अभी भी है। अरे ये आप में से कई लोग पता है ना, इतने चिल्लर क्वेश्चन को तो जरूर कर लिया कर भाई, ऐसा हाथ साफ करने का मौका, अगर बाय द वे यही, अगर बाय द वे ये जो जेई मेंस है ना इसके क्वेश्चंस की हमने एक्सरसाइज वन बना दी होती तो आप में से कई लोग तो ये कह के हाथ लगाने को मना कर देते, इतने हल्के क्वेश्चन है कौन करेगा, जबकि इतने हल्के क्वेश्चन ही आपका जीवन निर्धारित कर रहे हैं, आपके लिए डिसाइडिंग पॉइंट है भाई जेई मेंस, क्योंकि अगर यही डंका नहीं हुआ तो एडवांस तो गया, एडवांस के लिए तो आप ऐसे तैरते रह जाओगे, सही है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं ये, अब यही क्वेश्चन अगर भाई एक्सरसाइज वन में होते ना तो आप में से कई लोग कहते कितनी बेकार एक्सरसाइज वन है, इतने हल्के क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन होते हैं क्या, आप देख रहे हैं पॉइंट को, मतलब आदमी दो तरफ से खेल जाता। मैंने कहा ना एक बार वो मार्केट के अंदर गधा जा रहा था और उसमें बाप बेटे बैठ के जा रहे थे, याद है आपको कहानी सुनी आपने, गधे के ऊपर बाप बेटे बैठ के जा रहे थे, लोगों ने कहा देखो ना कितने निर्दयी बाप बेटे, इतने पतले दुर्बल गधे पे दोनों बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती उन्हें। तो एक जना उतर गया, बाप बाप बैठा रहा, बेटा उतर गया है ना, तो दुनिया कहती है कैसा बाप है, देखो बेटा को पैदल चला रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद में बेटा बैठ गया, बाप उतर गया, तो लोग कहते हैं देखो बेशर्म बेटा है, बाप को तो बूढ़ा है जो कि पैदल चल रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा क्या बेवकूफ आदमी है, देखो गधा है साथ में फिर भी पैदल चल रहे हैं, नहीं आया समझ में। आलोचक आलोचना करने के लिए होते हैं, लेट देम डू देयर वर्क, ठीक है ना, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि उनकी आलोचना से आपकी जिंदगी नहीं चलती और आपकी जिंदगी में एक रत्ती भी फर्क नहीं आता, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीजिए जितना हो सकता है, ठीक है ना। लेट देम डू देयर वर्क, जो करते हैं करने दो, फिलहाल इस पे आ जाओ आप तो, क्योंकि है ना जिस दिन वो एक्चुअली वो आलोचक है इसलिए क्योंकि उनका करियर और कहीं बन ही नहीं पा रहा, उनका करियर अगर बन रहा होता तो आलोचना नहीं कर रहे होते, वो अपना काम कर रहे होते, बट वो खाली है ना क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे अपना काम नहीं किया, वो इसी में लगे रहे है ना दूसरे की नाप तोल करने में। आ जाइए इस पे आइए, अगर भाई तो इसकी बात करी जाए तो इसके कहानी के में अंदर क्या